गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू एंटरटेनमेंट। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम 4 बजे से, वो मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ, कल मेरी एनिवर्सरी है तो मैंने सोचा मैं आधी ब्लॉगिंग आज कर लेती हूँ, सॉरी आधी शूट आज कर लेती हूँ, आधी शूट मैं कल करूँगी। तो है क्या, तो ये हैं, ये यहाँ नहीं रहते हैं, ये श्रीनगर रहते हैं, क्योंकि इनकी अभी हाल ही में 1 साल पहले इनका ट्रांसफ़र हो रखा है, प्रमोशन हुआ था, तो ये श्रीनगर शिफ्ट हो गए। वीकेंड पे आ जाते हैं, ऐसा नहीं है तो भी 7-8 दिन में आ जाते हैं, वीकेंड में आ जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वैसे कह तो रहे थे कि मुश्किल हो पाएगा, मैं नहीं आ पाऊँगा, देखो काम भी ज़रूरी है, अगर ज़रूरी मीटिंग वगैरह हुई तो नहीं आ पाएंगे, ऐसा नहीं बोल सकती मैं इनको आई आओ ही आओ, कि काम भी ज़रूरी है। तो अगर आगे तो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, और नहीं आए तो वो भी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। स्पेशल वैसे कुछ है नहीं, आगे तो केक कट कर लेंगे, ही करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। और क्या बताऊँ मैं आपको, अभी अभी सो के उठी हूँ, 3:30 बजे सोई थी, पर नींद आ रही थी मुझे, 4:30 बज रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। आप लोग देखते हैं, आई होप 150-100 से ऊपर ही देखते होंगे। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को, सॉरी वीडियो को शेयर करो, और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करो, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कीजिए, और नहीं भी अच्छी लग रही है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी करूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छी कर पाऊँ, क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पहले से बनाती हूँ या मैं एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, एकदम से कोई जंप नहीं करता है, हर कोई स्टेप बाय स्टेप, तो बस मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग देखते हैं तो स्किप मत कीजिए, देख लीजिए भाई, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट कीजिए, करो ना भाई, थोड़ा सपोर्ट तो कर ही सकते हो ना आप लोग, प्लीज़ भाई कर दीजिए ना, करो ना प्लीज़ सपोर्ट तो कर दो ना यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आगे कैसे जाऊँगी, ऐसे में तो मेरा फिर कुछ टाइम बाद मुझे ब्लॉगिंग ही बंद करनी पड़ेगी। आप ऐसे चाहते हो तो बता दो, मैं ब्लॉगिंग ही बंद कर देती हूँ, चाहते हो क्या? नहीं ना है? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं 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 जा सकते आप लोग, आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप लोग मेरी वीडियो का वेट करते होंगे, नहीं करते होंगे नहीं, हाँ तो आप लोग वेट करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, कोशिश करूंगी अच्छे से अच्छा बनाने की, ठीक है जी, देख क्या रहे हो, लाइक करो, कमेंट भी करो, फिर वीडियो को भी पूरा देखो भाई, स्किप मत करना, हिम्मत करो यार, प्लीज ना, यार तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ढोकला बनाऊँ, मन कर रहा है मेरा ढोकला बनाने का, तो ये बनाऊँगी मैं, तो इसका वीडियो मतलब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में या जो जब भी डालूंगी मैं आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उसमें देख लेना, ठीक है।
तो फिर मैंने अपना बैटर रेडी कर लिया है और बस थोड़ा वेट कर रही हूँ उसे, थोड़ा सा 5-7 मिनट उसको ढक के रख देती हूँ मैं ताकि थोड़ा सा फूल जाए वो, फिर उसके बाद मैं इनो डाल दूंगी उसमें, ये बनाऊंगी। ये मैंने रेडी करके रखा है, मैंने ऑयल ग्रीस करके रखा हुआ इसमें। हाँ कड़ी पत्ता ले आओ बेटा। गजब बेइज्जती है। तुम भूल न जाना उनको, किलिंग किलिंग। सुनो ये कहानी, किलिंग किलिंग। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो मैंने ढोकला इसमें रख दिया है और कड़ी पत्ता और हरी मिर्च है, ये मैं छौंक की तैयारी करूंगी, थोड़ी देर में करूंगी, अभी नहीं करूंगी। हाँ समझ में आ गया मुझे, क्या है ना कभी कभी भूल जाती हूँ, एकदम स्किप हो जाता है, क्या करे हो जाता है कभी कभी, बहुत ही दुख की बात है। रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं चोरी से आना चुपके से आना, अच्छी नहीं दिल लगी मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। एक बताओ, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ ना, मेरे को ना डांस का डी भी नहीं आता, डांस का ए भी नहीं आता। मैं मतलब मेरे को इतना एम्बैरेसिंग फील होता है ना जब सब लोग डांस करते हैं और मैं उनके सामने ऐसी करती रहती हूँ बस। यार थोड़ा सा होता है यार, थोड़ा डांस वांस भी आना चाहिए यार, अजीब नहीं लगता? मुझे तो बड़ा अजीब लगता है यार, ना मुझे आता है डांस, ना इनको आता है डांस, ना उमी को आता है डांस। थोड़ा बहुत जो हम तीनों में से थोड़ा सा जो कुछ इज्जत बचा रखी है, वो रेशो ने बचा रखी है, वो कर लेती है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? सारा कचरा हो गया। तो सुनिए गजल। चौधरी का चांद हो या किताब हो, जादी हो तुम खुदा की कसम, लाजवाब हो। मेरे हस्बैंड गाते हैं कभी कभी ये मेरे पे, ओ मेरी मेरी उसमें गाते हैं ये मेरी याद में, कि कहाँ हो तुम जाने मन, आ जाओ तुम यहाँ पे, हम तुमसे प्यार भरी बातें करेंगे। अरे यार इन बच्चों को ना प्यार भरी बातें करने नहीं आती यार, तो परेशान हो चुकी हूँ यार। आखिर इनका माजरा क्या है, इनको चाहिए क्या होता है, इनको है? इनको प्यार से बात करने नहीं आती है, है? हमें भी कौन सी आती है, तो हम लोग भी तो ऐसे है, चिल्लाते रहते हैं बेमतलब का पतियों पे, बेचारे पति। और हम पत्नियाँ दिन भर आपको किचन ही में मिलेंगी, सुबह उठो किचन, दिन में किचन, शाम को किचन, रात को किचन। अरे किचन यार, किचन से क्या ताल्लुक है हमारा, लेडीजों का किचन से ना बहुत बेस्ट ताल्लुक है भाई, बेस्ट। सलूट है भाई उनको, सलूट सलूट। मैं अपने लिए भी सलूट कर रही हूँ, सलूट बा। हाँ तो मेरा ढोकला बन चुका है, मैंने फ्रिज में रख दिया है उसे, अब थोड़ी देर बाद में मैं उसे खा के देखूंगी कैसा बना है। फाइनली मेरा ढोकला बन चुका है, तो अब थोड़ी देर में, अभी मैंने उसको फ्रिज में रखा है, थोड़ी देर में खा के देखूंगी कैसा बना है। जिस हिसाब से लग रहा है तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छा बना होगा। मैं उसका वीडियो आपको मतलब एक दो दिन में डाल दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा, थैंक यू सो मच। अब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, वो भी तो खेलने गया है, तो तब तक सोच रही हूँ रेशू को पढ़ा दूँ, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मेरा डिनर बन चुका है, अपने लिए मैंने बनाई खिचड़ी, क्योंकि ना मेरा ना कुछ मन नहीं कर रहा था खाने का, मेरा पेट अजीब सा हो रहा है मुझे, 3 दिन से कुछ ठीक सा नहीं लग रहा पेट, ऐसा लग रहा है जैसे भारी भारी सा फील हो रहा है, जलन सी हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई जाए, तो इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, बस मूंग की दाल है और थोड़ा सा 2-3 बीज चावल के बस, तो खाती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपसे, ठीक है बाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? तो सुबह के अभी 6:30 हो रहे हैं, बच्चे उठ गए हैं, बस बच्चों को रेडी करा रही हूँ, फिर उसके बाद इनका टिफ़िन रेडी करूँगी, इनको स्कूल भेजूँगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। हवा 5 हो गए हैं, तो बस आने ही वाले हैं, पहले बोला मैं नहीं आऊँगा, फिर बोले मैं आ रहा हूँ, तो बस आते ही होंगे, तो जब आएंगे तो मैं आपसे मिला दूँगी, बस वेट है उनका, बेटी कर रही हूँ मैं उनका। शाम के 5:30 हो चुके हैं, अब ये किसी भी टाइम किसी भी क्षण पहुँच सकते हैं, तो बस वेट करते हैं उनका, आपसे मिलाते हैं अपने पतिदेव से आपको, ठीक है? तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। A few moments later. फिर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। बहुत मुस्कुरा रहे आप, क्या बात है? भैया मैं रहे हैं।